वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, अगर आप लोग जो सेंटर एग्जामिनेशन जो कि आपका आने वाला है और फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन सीधे पेपर में देखने को मिल जाएगा। और देखिए, मैं आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग का कोई भी एग्जाम जो है इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आपको ये चीज़ जो है वही बता पाएगा जो एग्जाम दे चुका है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग देख के चलेगा। और देखो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 2024 के एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आज यानी मैं 100 क्वेश्चन आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, अगर आप लोग को पता है तो जवाब देते चलेगा, और नहीं तो मैं आप लोग को पूरी तरीके से बताते चल रहा हूँ। क्या है यहाँ पर? शक्ति शब्द है। तो शक्ति शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? शक्ति जो हो जाएगा, शक्ति यानी स्त्रीलिंग होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सबको जवाब देते चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के जो निबंध के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट, वो क्या बतलाना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर होगा, बातचीत की शैली के बारे में बतलाना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग को बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिए पूछा गया क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में पढ़ के जाना है, चाहे आपका सेंटर एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका अर्धवार्षिक हो, या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, ठीक है। पूरी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बोल जाएगा, डिंगल नामक निबंध किस पुस्तक के लेखक यानी रचनाकार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। डिंगल नामक पुस्तक जो है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किरत सिंह कौन था। तो किरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी नमक शब्द का विशेषण है। तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो नमकीन हो जाता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप लोग ने स्कोर याद रखना कि कितना स्कोर आज हो पा रहा है। अगर आप लोग का स्कोर जो है कम से कम जो है 50 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप लोग की तैयारी बहुत शानदार है और आपको ये सब जो है पढ़ने की और भी ज़रूरत है अच्छा मार्क्स करने के लिए, है ना। अगला देखो, राम राम ये कोई लड़ाई है, ये कौन सा वाक्य है। तो राम राम ये कोई लड़ाई है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्वमयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है। विश्वमयादि बोधक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विश्वमयादि बोधक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारे पास डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल जाएगा, जब फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन करेंगे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। देखो, भ्रष्टाचार की जड़ अगर बात करेंगे तो सरकार की गलत नीतियाँ, ठीक है। तो सरकार की गलत नीतियों से क्या होती है कि भ्रष्टाचार जो फैलती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यानी छायावादोत्तर युग। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखा जाएगा। शिखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। तो शिखर एक जीवनी जो है यानी शिखर एक जीवनी किसकी रचना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, यानी उदय अज्ञेय की हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलो, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुके, क्या बोला जा रहा है, करके मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो देखो, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो का जो है लेखक है, यानी इसमें मेन कैरेक्टर जो निभा रही है तो मालती। तो मालती का जो बच्चे का नाम क्या था, टीटी नाम था। क्या नाम था? टीटी नाम था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अंधे की एक यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यानी क्या होगा, एक ही सहारा हो जाएगा, मतलब एक ही सहारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुके, फटाफट से आप सबको जवाब देते चलना है। सजावट शब्द संज्ञा है। देखो, सजावट में बेसिकली यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, देखो भाव देखने को मिलता है। हम लोगों को कोई चीज़ सजावट है नहीं, बेसिकली ये भाव है, ठीक है, एक तरह का कि ये कितना सजावट है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर का भाव है ये, ठीक है। चलो, और व्यक्तिवाचक किसी वस्तु स्थान या फिर जगह के नाम को बोलते हैं, ठीक है। और दर्भवाचक बोलते हैं किसको, जो पानी वाला चीज़ होगा। जातिवाचक हो जाएगा जो जात का बोध करता हो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट से आप लोग देखिए। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन का बढ़ा लीजिए, या फिर आप लोग जो है यानी 1080p में देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को अच्छा से दिख जाएगा, अभी 720 में भी देख सकते हैं ना। अगला देखो, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। देखो, विद्यालय हम लोग बेसिकली क्यों जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षी या फिर वह आध्यात्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक संस्कारिक या फिर
किसको जन्म देते हैं। देखो कोई भी महत्वाकांक्षी हम लोग काम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो पहले हमको क्या करती है कि वो चिंता और भय देती है। अब ये यहाँ से कहाँ से आया है, ये शिक्षा से आया हुआ है, ठीक है। एक हम लोग को पता होगा कि जहाँ मेधा नहीं हो सकती वहाँ जो, जहाँ भय नहीं वहाँ मेधा नहीं हो सकती, तो यही वाला जो इसका मीनिंग, जहाँ मीनिंग भय नहीं वहाँ मेधा नहीं हो सकती, तो ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चिंता और भय को जन्म देती है ना, चिंता और भय को जन्म देगा, तभी जा करके हम लोग क्या करेंगे कि एक अच्छा जो है सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, है ना। चलो अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश क्या कर रहे थे। देखो उदय प्रकाश बेसिकली जो क्या था, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्या थे, तो वहाँ पर जो है भाषा का क्या करते थे कि अध्यापन किया करते थे, मतलब शिक्षक हुआ करते थे प्रोफेसर के रूप में भाषा का, है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं 16 नंबर क्या बोला था, कह रहा है कि कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा हेडमास्टर वो है जो मेरे बच्चे यानी मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, लेखक के पिताजी, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आया हुआ है, ठीक है। ये जो है उसका जो कलीराम जो यानी हेडमास्टर था वो काफ़ी जो है उसको परेशान करता था क्योंकि ये दलित के बच्चे थे, है ना। चलो अगला देखो, देखो नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ये हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। देखो बोलता है कि जब जो सिपाही जो लड़ाई कर रहा था, ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश जो बिस्नी बोलती है कि बेटा जब यानी मारने के लिए जा रहा था बिस्नी का बेटा को मानक को, तो फिर किसी तरह ने अपनी उसकी मार जो है बचा लेता है अपने बेटे बिस्नी को, ठीक है। तो जब बचा लिया तो फिर क्या करता है कि यानी मानक क्या करता है कि उस आदमी को मारने के लिए जाता है, तो बोलता है कि तुम भी मत मारो इसको, ठीक है, ये सिपाही है, ये भी गरीब है, ये भी जो पैसे कमाने के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आया, कोई किसी को मत मारो, तो ये कहा था उसकी माता ने मानक की, है ना। 80 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर किस सम्मान से सम्मानित किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर को जो क्या है यानी बिहार राजभाषा से पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखे, कह रहा है कि यानी छत्रसाल कौन थे, तो छत्रसाल जो थे वो कौन थे, यानी बुंदेलखंड का राजा, यानी छत्रसाल जो है यानी किसको हराया था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी छत्रसाल की बात करते हैं, छत्रसाल जो है यानी आलमगीर को हराया था, आलमगीर यानी औरंगजेब को, है ना। नवादा किस समाज के विद्वान थे, तो दलित समाज के, किसके, नवादा जो दलित समाज के इन क्या थे यानी विद्वान थे, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समताप संधि का विच्छेद है, तो समताप संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो सम जो ताप हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सरिता मतलब नदी, सरिता उसके बाद क्या होता है कि तरंगिनी, ये सब क्या नदी का होता है। अगला देखो, प्रोत्साहन का विलोम शब्द, तो प्रोत्साहन मतलब क्या होता है कि खुश यानी उसको जो है मोटिवेट करना, और हतोत्साहन मतलब डीमोटिवेट करना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं। करेक्ट आंसर, और इसको प्रेम मार्गी भी बोला जा सकता है ना, मलिक मोहम्मद जायसी की तरह। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भक्तमाल किसकी जो है रचना है, सॉरी भक्तमाल की रचना जो है क्या है, नहीं छंद है, तो कौन सा छंद है। देखो इसमें क्या होगा, गन्ना छंद होगा, छप्पे छंद होगा, तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखो छप्पे छंद हो जाएगा इसका, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर ही होगा ना। चलो अगला देखिए, देखो इन भक्तमाल की रचना जो है, देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखो छंद यानी गन्ना छंद भी हो सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो कंफर्म कर दीजिएगा, और मैं आप लोग को एक बार कमेंट में देख लूँगा, है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलिए, कह रहा है कि शिवाजी का वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने कवि किया है, भूषण कवि ने किया है, तो वीरता का बखान जो है, शिवाजी का वीरता का बखान जो भूषण ने किस कवि में किसमें किया गया है, तो राइट आंसर की बात करें, शिवा क्या होगा यानी शिवा बावनी में किया गया है। शिवा बावनी क्या था, एक जो है इसका एक यानी कथा है, ठीक है। चलो अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, करेगी भूषण रचित कविता के प्रथम छंद कौन सा रस है, तो प्रथम छंद की बात करते हैं तो भूषण के कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग को इसका जवाब देते चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वीर रस, क्या ना, सबसे पहला जो रस की बात करते हैं तो वीर रस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, चले आप लोग स्कोर अपना ध्यान रखना और फटाफट से स्कोर भी बताते चलना है ना। अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ चुके, क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो पुत्र वियोग, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, है। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार के रचनाकार है, तो ज्ञानेंद्र पति जो है किस प्रकार के रचनाकार, तो एक सजग रचनाकार, क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, एक सजग रचनाकार हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है, वह दिल का क्या है बहुत भोला है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। इसका दिल का भोला, भोला मतलब क्या होता है कि विशेषण होता है, तो विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का माँ का नाम, तो अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो 31 का विमला देवी हो जाएगा, क्या होगा विमला देवी या निर्मला देवी, विमला देवी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, है ना, 31 नंबर का हमारे पास, सॉरी 31 का नहीं, विमला निर्मला देवी हो जाएगा यार। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समय के पास समय किसकी रचना है, तो समय के पास समय किसकी रचना होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं 20 यानी क्या अशोक वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है 32 का, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से बोलेगा, कह रहा है कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो यहाँ पर 33 का बात करते हैं तो क्या होगा फटाफट से बोलेगा, जी हाँ बिल्कुल, तो राइट आंसर की बात करते हैं, जी हाँ 33 नंबर का बी नंबर होगा, इतालवी भाषा में हो चुका है ना। चलो अगला देखो, कवि रघुवीर साय ने किस में MA किया है, तो किस सब्जेक्ट में जो MA किया है कवि रघुवीर साय, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं अंग्रेजी विषय, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का नाम, तो गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का नाम अगर बात करते हैं तो क्या माधव राज मुक्ति बोध हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग जो है बेसिकली क्या कहता है कि वो पहले आता है और प्रत्यय क्या बाद में आकर के अर्थ चेंज कर देता है, ठीक है। तो देखो पहले जय क्या था, एक शब्द था, जय में आकर के वी लग गया तो ये हो गया अर्थ बदल दिया, ठीक है तो विजय हो जाएगा। अब देखो अब अगर वहीं पर पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि यानी प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग पूछा गया, बस प्रत्यय बाद में आता है, प्रत्यय के बारे में भी अभी आप लोग को बता दूंगा। राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो राष्ट्रगीत राष्ट्र का गीत क्या होता है, राष्ट्र का गीत मतलब तत्पुरुष समास है, जहां पर भी क्या राष्ट्र का गीत या फिर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास पहचानने का जो है एक ट्रिक मैं बता देता हूं आप लोग को, जहां पर भी का के लिए आएगा तो आपको, जैसे कि राजपूत, तो राजपूत मतलब क्या होता है, राज का बेटा, राजा का बेटा राजपूत, तो राजा का बेटा का आ गया बीच में तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है इसे ध्यान रखना। ज़्यादातर में शब्द यानी ज़्यादातर शब्द जो पढ़ते हैं, अब देखो पढ़ते में क्या होगा, तर करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़्यादा एक शब्द है, तर आ गया तो मतलब वो उसका अर्थ बदल देता है, तो अर्थ बदल दिया तो वहाँ पर हो गया। अगला देखो, गोद शब्द का पर्यायवाची, तो गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो अंक हो जाएगा, क्या होगा तो अंक, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि हिमालय शब्द कौन संज्ञा है, तो हिमालय शब्द जो कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यानी क्या होगा, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, नीला शब्द है, नीला शब्द क्या होता है, तो नीला, देखो नीला की बात करते हैं तद्भव हो गया, देखो अगर तत्सम की बात करते हैं बिल्कुल संस्कृत शब्द लगेगा, जैसे कि अहम हो जाएगा, उपम हो जाएगा, तो बिल्कुल तत्सम में क्या हो जाएगा कि यानी संस्कृत का ज्यों का त्यों उठा लिया जाएगा संस्कृत का शब्द को, और वहीं पर तद्भव थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब अगर नीला को अगर हम संस्कृत में नीलम हो जाएगा, ठीक है नीलम हो जाएगा, तो ये संस्कृत में आए और यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, और बाकी देश में बोलचाल की भाषा को देशज और विदेश में बोलचाल की, जैसे डॉक्टर विदेश शब्द हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। देशज जैसे कि हमारा अगर चिकित्सा बोलते हैं तो वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी देश हो जाएगा। अगला देखो, तुच्छ शब्द का विलोम, तुच्छ शब्द का विलोम तो महान होता है, ठीक है राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास धूप का पर्यायवाची क्या होगा, धूप का पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा, मरीची हो जाएगा, मरीची, ठीक है मरीची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक, तो उसने कहा था कहानी के नायक की बात करते तो लहना सिंह हो जाएगा, लहना सिंह ने पूरा अपने जीवन को क्या कर दिया कि अपने जो प्यार था उसके लिए ख़त्म कर दिया, ठीक है वैसे प्यार के लिए नहीं, वो अपना देश के लिए ख़त्म किया था, जर्मनी के साथ लड़ रहा था, ठीक है, वो अंग्रेजों के अधीन रह कर गया, अंग्रेजों का जो काम हो रहा था, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा था भारत का उस टाइम, ठीक है। अगला देखो, जल शब्द का विशेषण, तो जल का जो जलीय हो जाता है, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखें, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, संन्यास शब्द है, तो संन्यास शब्द की बात करते हैं तो क्या होगा, संन्यास की बात स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, ये संन्यास, हमने संन्यास ले लिया या फिर ले ली, हमने संन्यास ले लिया, देखो स्त्रीलिंग, देखो संन्यास जो स्त्रीलिंग है, ठीक है ये ध्यान रखना, संन्यास ले लिया नहीं होगा, ले ली हो गया, ठीक है। हाँ अगला देखो क्या बोला जा रहा है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक नहीं क्या संलाप कर रहे हैं, संलाप मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो हम दो में कौन है, तो हम दो यहाँ पर दिख रहा है कि क्या संख्या है, दो आदमी बता रहा है कि संख्या, तो यहाँ पर
बेसिकली सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रही है, ठीक है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घृत शब्द में प्रत्यय, तो घृत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इत हो जाएगा, ठीक है, इत करेक्टर सी नंबर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग इत भी देख लीजिएगा कि कौन सा हर से ये से है या फिर दुर्गे से। अब देखो सदा नीरा, यहाँ पर क्या है सदा नीरा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहेगा बट कोई बात नहीं। सदा नीरा शब्द कौन सा समास है, देखो सदा नीरा मतलब क्या होता है, सदा नीरा, सदा का पानी, मतलब नीरा मतलब पानी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा, सदा नीरा है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो सदा मतलब सादा, मतलब सादा जल, ठीक है, सादा जल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, थोड़ी देर आ जाएंगे वाक्य में कौन सा, यानी क्या होगा, कारक चिन्ह होगा। थोड़ी देर में आ जाएंगे तो यहाँ पर राइट मैं जो है कारक हो जाएगा, ठीक है, मैं जो है कारक चिन्ह, थोड़ी देर मैं बेसिकली वहाँ पर क्या कारक हो रहा है वहाँ पर। हाँ, अगर देखो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ, मैं आप लोग को ग्रामर से एक एक जो है यानी टॉपिक लेकर के आऊँगा, आप लोग को पढ़ा दूंगा, है ना। दिल का हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर राहत नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि मतलब दिल हल्का हो गया, राहत मिल गया, जैसे कि बहुत सारा क्या होता है कि जब परेशानी हो जाती है बोलता है कि यार दिल हल्का हो गया आज, या फिर कोई भी ऐसा होता है मतलब किसी से झगड़ा हो जाता है जब सही से फिर बातचीत होने लगता है तो दिल का हल्का हो जाता है, फिर बोलने से हल्का हो जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। तो सयाना शब्द का विलोम है, तो सयाना शब्द का विलोम हो जाएगा, देखो सयाना शब्द की बात करते हैं, सयाना मतलब कि काफ़ी चतुर, और यहाँ पर होशियार समझदार, तो नादान हो जाएगा, सयाना का नादान हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें प्रतिष्ठा शब्द है, तो प्रतिष्ठा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। 53 की बात करते हैं तो क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बताने हैं, है ना, चलो वेरी गुड, चलो जल्दी से बोलिए। आप लोग का मैं एक कमेंट एक बार पढ़ ले रहा हूँ, देखो वैसे तो फटाफट से आप लोग जवाब दे ही दे रहे हैं, तो प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं शायद एक क्वेश्चन आप लोग को बताया था संन्यास, तो संन्यास पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, संन्यास जो है पुल्लिंग हो जाएगा, मैं आप लोगों को शायद मिस्टेक से बता दिया था स्त्रीलिंग, बट देखो कुछ कुछ आंसर आप लोग ना मतलब मैं जो है उसमें गड़बड़ गया, संन्यास ले लिया तो दिख रहा था, मैं फिर भी स्त्रीलिंग में कर दिया, देखो दिमाग मेरा भी कहाँ रहता है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अगला देखो आदमी शब्द संज्ञा, यानी कौन संज्ञा है, तो आदमी शब्द जो है यानी जाति वाचक हो जाएगा, ठीक है, चलो जाति वाचक हो जाएगा, है ना। आदमी क्या है, एक जाति, जात दिखा रहा है ना, चलो 54 की बात करते हैं तो क्या होता है ना, 54 का ए नंबर होगा, जात नहीं दिखा रहा भाई, सॉरी ये व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक ये नाम आदमी है, अगर जात दिखाता कि जैसे कि आदमी क्या है, एक जात होगा, आदमी मेरे ख्याल से एक जात होना चाहिए, है ना, आदमी क्या है, जात है। अगर वहीं पर अगर बात करते हैं तो 54 नंबर का हम लोग ए नंबर व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, आदमी नाम है व्यक्तिवाचक, जात नहीं दिख रहा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन नहीं मरने वाला क्या होगा, तो अमर हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें बी नंबर। अगला देखो क्या कि ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद, तो गिर जोर इस हो जाएगा, ठीक है, गिर जोर इस हो जाएगा या फिर गिरी जोर इस होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं गिरी जोर इस हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, है ना, चलो ग्रीस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो 55 नंबर का क्या होगा, तो डी नंबर, गिर जोर ईस हो जाएगा, यहाँ पर गिर जोर ईस नहीं होगा, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डी नंबर, गिर जोर ईस हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द क्या है, देखो बच्चा हम लोग कहाँ, चाइल्ड में बच्चा होता है, और ये क्या होता है, तद्भव हो जाएगा, है ना, तद्भव हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है, बच्चा क्या, तद्भव है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि निम्न में से शब्द है शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसके चाचा, देखो उसके चाचा को लड़की हुई, गलत हो जाएगा ये पर, देखो ये सारा गलत है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है, ये वाला बात सही हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो कौन शब्द है, सॉरी कान शब्द है, तो यहाँ पर कान क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो कान की बात करते हैं, देखो कान, ये हमारी कान, ये हमारा कान, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा कान, ठीक है, कान, कान यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देखो तीर्थ यात्रा कौन समास है, तो तीर्थ यात्रा, तीर्थ का यात्रा, जैसे मैं बताया था आप लोगों का के लिए आएगा तो वहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखो बाल विवाह की लेखक की रचना, तो बाल विवाह की लेखक की रचना की बात करते हैं तो यहाँ पर बी नंबर होगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो उसने कहा था, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से बता दोगे, उसने कहा था कहाँ से शुरू होती है, तो अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है, ये अब कहानी आप लोग को मज़ा आएगा पढ़े होंगे, तो नहीं तो मैं आप लोग को फिर से एक बार पढ़ा दूंगा ना। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, और ये 1974 में गांधी मैदान में जो है भाषण दिया था बिहार में, ठीक है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, बिहार के पटना में, है ना। चलो तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा के विधा में है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है, तो राइट आंसर की बात करें तो ये क्या है, एक निबंध है ना,
ध्यान रखना आप। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल फौरन आप लोग जवाब देते चलना है ना। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार जो प्राप्त हुआ, तो ये राइट ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेती है, ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय 1924 से 1925 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था, तो किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। करेक्ट आंसर डी नंबर। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1914 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो यहाँ पर देखो बी नंबर गदर पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1914 में गदर पार्टी में वो चले गए थे, ठीक है, और इसकी फांसी जो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को इसकी मृत्यु हुई थी फांसी देकर के। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये मिला था यानी कालिदास अवार्ड मिला था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर राइट होगा, है ना। अगला देखते हैं, हम रिफ्यूजी हैं माँ, माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था, तो देखिए ये दो वर्मा की लड़कियों ने कहा था। ठीक है, जब वर्मा में जाकर के लड़ रहा था जापानियों के साथ, है ना, जापानियों के साथ जो है प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, तो लड़ रहा था सभी कोई, तो हम रिफ्यूजी हैं ये कौन बना था, तो दो वर्मा की लड़कियों ने बताया था जब यहाँ पर आया था बिस्नी के माँ के पास, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो नागार सिंह था। ठीक है, अगला देखो, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी कहते थे, उसके पिताजी मुंशी कहा करते थे, है ना, उनके पिताजी जो मुंशी करके बोलते थे। अगला देखो, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अंत में प्रार्थना कवि जो लिखी गई है तो 73 की बात करें उदय प्रकाश मलयज है, 73 फटाफट से आप सब बोलिएगा, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी उदय प्रकाश हो जाएगा। अंत में प्रार्थना की किसके द्वारा, तो उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो ये सुरक्षा में जीने का अर्थ है भय में जीना। देखो अभी आपको मैं बताया था कि जब जहाँ मेधा नहीं वहाँ भय, यानी जहाँ भय नहीं वहाँ मेधा नहीं हो सकता, तो ये यानी कहाँ से आया, तो ये शिक्षा से आया हुआ है जो कि जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा है, तो ये वाला यहाँ पर भय से है जीना हो जाएगा, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो यहाँ देखो क्या, सृजन विध्वंस क्रांति परिवर्तन, तो 75 की बात करते तो ए नंबर होगा परिवर्तन के। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जायसी थे, तो जायसी क्या थे, एक फकीर हुआ करते थे, परे मार्गी के कवि थे, जायक जो है अंधा हुआ करता था एक आंख से। अगला देखो, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सूरदास का जन्म जिसकी बात करते हैं सीही में हुआ था, सीही में। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में तुलसीदास की रचना, तो तुलसीदास जो क्या लिखा था, पद लिखा था, पद तुलसीदास की एक पद लिखा हुआ है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नाबादिस जी कवि थे, तो नाबादिस जी जो कवि थे वो किसके, यानी शिव भक्ति, राम भक्ति, या फिर क्या होगा, फटाफट से बोलते चलना है, आप सबको जवाब देते चलना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं सगुनों पासक, क्या होगा, सगुन और पासक करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 79 का, है ना। चलो अगला देखो, भूषण का जन्म, तो भूषण का जन्म की बात करते हैं, तो भूषण का जन्म जो 80 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं 1613 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भूषण जो कि कवित्व के लेखक हैं। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंसू किसका काव्य संकलन है, तो आंसू की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, देखो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी नंबर इनका होगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखें, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया, तो 82 का राइट आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा प्यारो, जल्दी से आप सबको चलना है बता करके, तो क्या होगा सेकस रिया पुरस्कार मिलाया था गोकुल, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, है ना। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग हमारे बुक में लिखा था, लेकिन क्या है इन्हें सेकस रिया में उसको पुरस्कार दिया गया था, है ना। हेनरी लोपेज, तो हेनरी लोपेज की बात करते हैं तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो अफ्रीका कांगो देश, यानी जो अफ्रीका में कांगो एक, और ये कांगो के क्या रह चुके, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे हेनरी लोपेज, है ना। अगला देखो, लेकिन उसका शौक था लिखने का तो वो लेखक भी बन गए। गाँव का घर कविता के, कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो गांव का अगर ज्ञानेंद्रपति, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अगला देखो, रघुवीर साहे किस काल के कवि हैं, तो रघुवीर साहे किस काल के कवि हैं, तो राइट आंसर 85 का क्या होगा, रघुवीर साहे जो है ये आधुनिक काल के, इसको नवीन काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। न का उच्चरण स्थान की बात करते हैं तो इन्हें दंत हो जाएगा, न का उच्चरण कहाँ से होता है, दंत से होता है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या यदि, यदि क्या होगा, यद्य जोर अपि, या फिर यदि जोर अपि, अरे यार ये वाला सी नंबर होगा ना, 87 का क्या होगा, तो सी नंबर होगा,
देखो कुछ कुछ आंसर आप लोग का गलत आया, बट देखो मैं आप लोग का आंसर बिल्कुल सही तरीके से जो है बता रहा हूँ, बिल्कुल कलेक्शन करके लेकर आया हूँ। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन इस पेपर, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, है ना। 88 नंबर देखो, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो निम्न में शुद्ध शब्द देखो, यहाँ पर नक्षत्र, ज्येष्ठ, यहाँ पर ये सब गलत है, लेकिन नक्षत्र जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, नर्मदा कौन सा संज्ञा है, तो देखो नर्मदा कौन सा संज्ञा हो जाएगा। देखो आप लोग को नर्मदा जो होता है क्या, कुछ कोई चीज़ नहीं है, वो भाव है उसका। हम लोग काफ़ी गुस्सा में रहता है तो क्रोध देखते कि अरे बाप रे ये कितना गुस्सा में, भाव दिखता है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर नर्मदा भी वही भाव हो जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो राष्ट्रगीत में अभी आप लोगों को बताया था राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। राष्ट्र का गीत ये डबल डबल आ चुका है, बट कोई बात नहीं। अगला देखो, आपका ना पेपर में जो है कुछ कुछ क्वेश्चन डबल आ जाएगा, चाहे आपका फाइनल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, है ना। देखो दे देता है, पता नहीं क्यों जो देता है। अगला देखो, धूप शब्द का पर्यायवाची, तो धूप शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो घाम हो जाएगा, ठीक है, धूप का घाम हो जाएगा। और देखो इसलिए डबल दे देता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन का दो दो जवाब लिखते हैं, तो इस वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है ना। इसलिए मालिनता में कौन पड़ता है, तो मालिनता में ता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल प्रत्यय की बात करता है, उपसर्ग ऊपर पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है, ध्यान रखना। दिन शब्द का विशेषण है, तो दिन का क्या होगा, दैनिक हो जाएगा, है ना, दैनिक, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कहाँ, यानी महाबाहु शब्द में उपसर्ग है, तो महाबाहु शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, महा हो जाएगा, बाहु मतलब क्या होगा भुजा, और महा मतलब क्या होगा वो अलग हो जाएगा ना। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, तो कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा जिज्ञासा, यथा कर्म, उसके कर्म कर्म या फिर कर्मा कर्म, तो देखो यानी यहाँ यथा कर्म हो जाता है। देखो कर्म के अनुसार जो एक शब्द है इसका क्या हो जाएगा, तो यानी यथा कर्म हो जाएगा, यथा कर्म हम अगर कर्म कर इसको बोल देंगे तो हो जाएगा ना। अगला देखो, इहलोक शब्द का विलोम, इहलोक का परलोक काफ़ी ईजी है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है। देखो यहाँ पर क्या संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जी बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहेंगे या फिर कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर यानी विशेष प्रकट, अब मैं अभी आपको बताया था पहले यहाँ पर पूछा गया, पहले आकर के क्या कहते हैं अर्थ बदल देता है तो उसको उपसर्ग, और बाद में आता है तो उसको प्रत्यय बोला जाता है, तो हमारे पास इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कमाएगी वही खाएगा, ठीक है, जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम है। देखो यहाँ पर क्या निश्चयवाचक, निश्चय कर रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा, बाकी कोई नहीं खाएगा, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है, धनवान शब्द में स्त्रीलिंग है, तो धनवान शब्द में स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा, तो धनवती हो जाएगा। धनवान में अगर धनवान लड़का है तो धनवान में धनवती हो जाएगा, ठीक है, लड़की हो जाएगा। तो अब देखो आप लोग ये चीज़ बता दीजिएगा, आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, इस तरीके का वीडियो आप लोग कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। अब देखो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम लोग कि आप लोग एक चीज़ बता दीजिएगा कि कौन कौन यानी बिहार के कोने से आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कहां से मैं पढ़ रहा हूं, कहां से मैं जो है इस वीडियो को देखा हूं, ठीक है, एक बार बता दीजिएगा। और देखो आप लोग अगर चाहते हो कंप्लीट नोट्स, बिल्कुल मास्टर नोट्स लेने के लिए कंप्लीट एकदम आप लोगों को उतना ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप जो चाहेंगे कि मैं बस इतना पढ़ के अच्छा मार्क्स लेकर आ जाऊँ, तो आप लोग जो है बस 7903288689 पर मुझे WhatsApp करें, कॉल करें, और इसके बाद जो पूरा कॉन्फिडेंट के साथ पूरा पूछ लें, कन्फर्म कर लें कि सर इसका कैसे कैसे आप लोग देते हैं, कैसे जो है आप लोग पढ़ाए हैं, क्या ये पढ़ेंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में, मेरा पास हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो मैं आप लोग को 100% सब कुछ बता दूंगा कि हाँ हो जाएगा, और गारंटी देता हूं अगर आप लोग का क्या होगा कि अगर आप लोग अच्छे से नहीं अगर पास नहीं होंगे तो आपका पैसा जो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग जो भी मैं नोट्स दूंगा उसको पढ़ लीजिएगा, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।